भ्रष्टाचार पर चलेगा सीएम योगी का चाबू। शोकी के राज में नहीं बचेंगे भ्रष्ट अधिकारी। यूपी में 27 आईएएस की होगी जांच। क्यों नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। यूपी के मंत्री नेता अधिकारी ध्यान से देख लें, और वो अधिकारी तो जरूर देख लें जो ये समझते हैं कि सरकार उनका क्या बिगाड़ लेगी, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये खबर उन भ्रष्ट अधिकारियों पर सितम बनकर टूटने वाली है। और हाँ, वो जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल है। जी याद होगा आपको, योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेते हुए एक आदेश जारी किया था। आदेश था कि राज्य के सभी आईएएस और आईपीएस अफसर अपनी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देंगे। योगी सरकार ने पूछा था कि आपके पास कितनी संपत्ति है, परिवार के पास कितनी है, कहां से आई, किसने दी और कब दी, पूरा का पूरा लेखा जोखा चाहिए। मगर खबर है कि 27 आईएएस लापरवाह निकले। इनमें से कई डीएम और केंद्र राज्य में तैनात हैं, मगर ये योगी की सरकार है छोड़ेगी नहीं। तभी तो ब्यौरा जैसे ही नहीं मिला तो सीएम साहब के पास ये खबर पहुंची। सीएम नाराज हुए, गुस्सा जताया, फटकार लगाई और बोल दिया कि बस बहुत हुआ, एक हफ्ते में संपत्ति का ब्यौरा देना ही होगा, यानी एक हफ्ते का अल्टीमेटम। चलिए पूरा मामला है क्या अब वो भी समझ लीजिए। डीओपीटी में स्थापना अधिकारी और अपर सचिव दीप्ति शंकर ने इस साल 11 जनवरी को राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा था कि यूपी के आईएएस अफसर सरकार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। मगर कई ऐसे अफसरों ने भी ब्यौरा देने की जरूरत नहीं समझी जो इस साल 1 जनवरी या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले। चलिए जिन अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया अब उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। केंद्र में अपर सचिव है ज्योतिका पाटकर, प्रदेश अपर सचिव हेमंत राव और मनोज सिंह, सचिव पद पर तैनात हरिओम, दिग्ज्ञान सफिल, अजय शंकर पांडे, दिनेश कुमार सिंह, योगेश्वर राम मिश्र, नवीन कुमार, चंद्रभूषण सिंह, संजय कुमार खत्री, अनिल कुमार मिश्रा, चंद्रशेखर, मंगला प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेश कुमार त्यागी, शेषनाथ, आलोक सिंह, महेंद्र प्रसाद, मनोज कुमार राय, रजनीश चंद्रा, अर्जुन गहरवार, महेंद्र सिंह तनवर, महेंद्र सिंह, पवन कुमार गंगवार, श्याम बहादुर सिंह और विशाल सिंह इस लिस्ट में बताए जाते हैं जिन अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। खैर, जो ये सोच रहे हैं कि उनका क्या, जो नौकरी छोड़कर चले गए, उन्होंने तो माल बटोर लिया होगा, तो जरा थम जाइए क्योंकि खबर अभी अधूरी है। क्योंकि काफी समय पहले सेवा में रहते हुए जिनकी मौत हो चुकी है या सेवा छोड़ चुके हैं, मतलब कि रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी ब्यौरा संपत्ति का देने को कहा गया है। इस सूची में शामिल 1993 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव अग्रवाल अक्टूबर 2019 में रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। राजीव मौजूदा वक्त में फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं। यूपी कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी सुशील कुमार मौर्य की सितंबर 2020 में कोविड के कारण मौत हो गई थी। इसी तरह से 1998 बैच के आईएएस अधिकारी अजय कुमार सिंह की दिसंबर 2020 में विधान परिषद चुनाव में वाराणसी में मतगणना के दौरान ड्यूटी करते हुए हार्ट अटैक आया था। संपत्ति का ब्यौरा ना देने वाले अफसरों की सूची में इनका नाम भी शामिल है। अब अंदर की खबर तो ये तक है कि बसपा सरकार में 1100 करोड़ से ज्यादा का चीनी मिलों में घोटाला करने वाले एक सीनियर आईएएस अफसर के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई को अनुमति मिल गई है। यानी योगी सरकार भ्रष्टाचार पर वार पर वार कर रही है। अब बस ध्यान रखिएगा, एक हफ्ते का अल्टीमेटम है उन आईएएस अफसरों के लिए जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।